हेलो एवरीवन, कैसे हो सब? और स्वागत है मेरे न्यू वीडियो में। तो भाई, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि क्या होता है कि किसी का बर्थडे होता है और बर्थडे में आपका कोई खास है और आपकी नींद है जो कंट्रोल नहीं हो रही और आपको उसे फिक्स टाइम पे आपको बेस करना है। तो आज मैं आपको ऐसा ऐप्स बताने वाला हूँ कि आप फिक्स टाइम पे उसे बेस कर दोगे। मतलब क्या है कि उस मैसेज पे आप टाइमिंग सेट कर दोगे, चाहे वो व्हाट्सअप हो, इंस्टाग्राम हो या कोई भी एसएमएस हो, ट्विटर, कहीं पर भी आपको मैसेज करना है, सिर्फ आपको टाइमिंग सेट कर देनी है, मैसेज टाइप कर देना है, वो ऑटोमेटिक सेंड हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके दोस्त के पास पहुंच जाएगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो इमेज है दोस्त के सामने बहुत ज़्यादा टॉप पे आ जाएगी, क्योंकि आपने उसे फिक्स टाइम पे बिस किया है। अब उसे क्या पता कि आप सो गए हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। यहाँ पे क्या है, स्क्रीन रिकॉर्डर मेरी ऑन हो चुकी है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा वो एप्लीकेशन है। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। प्ले स्टोर नॉर्मली आपके मिल जाएगा, अगर आपका एप्पल का फ़ोन है तो एप्पल स्टोर में भी ये मिल जाएगा। सो यहाँ पे प्ले स्टोर मैंने ओपन कर लिया है। तो यहाँ पे सर्च टाइप पे आपको सर्च कर देना है ऑटो टेस्ट, कुछ इस तरीके से आपको सर्च कर देना है। एंड आप जैसे ही सर्च करोगे आपको पहला एक एप्लीकेशन आएगा, और ये आप देख सकते हो समथिंग 12 MB का एप्लीकेशन है। एंड इसकी आप देख सकते हो 3.8 की रेटिंग है एंड 10 लाख प्लस इसके डाउनलोड है। इसके अबाउट दिखाऊँ तो काफ़ी अच्छा है, एंड इसकी कमेंट भी आप पढ़ लें तो काफ़ी इसके पॉजिटिव कमेंट है। अब मैं इसको इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है और इसमें ओपन का ऑप्शन आ चुका है। जस्ट मैं इसको ओपन कर लेता हूँ एंड यहाँ पे नेक्स्ट पे जाऊँगा। इस सभी को मैं स्किप कर दूँगा, सभी स्टेप को, एंड यहाँ पे मैं इसको क्रॉस कर दूँगा। अब कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा यहाँ पे कुछ इस तरीके से। सो आपको नीचे प्लस का आइकन है, आपको प्लस पे क्लिक कर देना है। इस जैसे ही आप इस पे प्लस पे क्लिक करोगे सो यहाँ पे क्या आएगा, रिमाइंडर लिखा हुआ है, कॉल लिखा हुआ है, एसएमएस, व्हाट्सअप एंड बिजनेस व्हाट्सअप, टेलीग्राम पे आप पोस्ट कर सकते हो, ईमेल पर आपको किसी को मेल करना है टाइमिंग से उसको कर सकते हो, ट्विटर पर या किसी को फेक कॉल करनी है टाइमिंग से वो भी हो जाता है इसमें। तो यहाँ पे क्या है, मैं व्हाट्सअप ओपन कर लेता हूँ एंड व्हाट्सअप पे जाऊँगा एंड यहाँ पे एग्री कर दूँगा। ठीक है, एग्री होने के बाद क्या है, आपको इसको जो नीचे ऑटो टेस्ट लिखा हुआ है इसका ऑप्शन को इनेबल कर देना है, ऑन कर देना है कुछ इस तरीके से। एंड ए होने के बाद है जो आपको फिर से प्लस करना है, व्हाट्सअप कर देना है एंड यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर देना है और जो आपकी परमिशन वगैरह मांगेगी आपको अलाउ कर देना है कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से ऑप्शन आ जाएगा आपको मैसेज कंटेंट पे। यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हैप्पी बर्थडे, एंड यहाँ पे आपको बेहतरीन शायरी वगैरह लिख देनी है जो आपको अपने दोस्त को भेजनी है टाइमिंग के साथ। तो यहाँ पे आपको उसी टाइप के बेस अलग तरीके से बेस करना है, क्योंकि आप उसे फिक्स टाइम पे बेस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे राइट नाउ 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, इवनिंग, टुमारो एंड कस्टम। आपको कस्टम पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे लिखा हुआ है मतलब अभी करंट क्या बजा हुआ है, मेरे 5:19:20 हुए हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना। अब यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट टाइम, इसको आपको क्लिक करना है। इससे आपको अपनी टाइम सेट कर लेना है। फिलहाल तो अभी 12 बजे के लिए हैप्पी बर्थडे नहीं बोल रहा मैं, क्योंकि जब तक वीडियो थोड़ी बनाऊंगा मैं, अभी जब अभी कितना बजा है, 5:20, 5:21 की टाइमिंग लगा देता हूं एंड ऑटोमेटिक चला जाएगा। सो यहां पे 5 एंड यहां पे 21 कर लिया मैंने एंड इसको ओके कर दूंगा। और इसके बाद मैं ऊपर नंबर डाल दूंगा, तो यहाँ पे मैं अपना ही नंबर डाल देता हूँ। सो यहाँ पे मैं माई नंबर कर दूंगा इस तरीके से एंड इसको टिक कर दूंगा एंड यहाँ पे कंटिन्यू कर दूंगा। ओके, कुछ इस तरीके से आपका ऐड आएगा और ऑटोमेटिक है जो अब जब जैसे ही 5:21 होंगे आपका जो एसएमएस है वो ऑटोमेटिक व्हाट्सअप खुलेगा। खुलने के बाद आपका जो आपने नंबर सेलेक्ट किया है वो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से आया ऑप्शन एंड यहाँ पे टाइमिंग आई और वो मैसेज चला गया, देख सकते हो ऑटोमेटिक, मैं कोई टच भी नहीं कर रहा, वो हो गया मैसेज और मेरे दूसरे व्हाट्सअप पे हैप्पी बर्थडे आ चुका है। अब मैं आपको व्हाट्सअप भी खोल के दिखा देता हूँ। यहाँ पे व्हाट्सअप बिजनेस पे जाऊँगा, यहाँ पे आप देख सकते हो 17:21 मतलब 5:21 पे यहाँ पे हैप्पी बर्थडे आया है। मैंने कुछ नहीं किया, टाइमिंग के साथ इसमें हैप्पी बर्थडे आया। एंड मैंने किस व्हाट्सअप से भेजा था, मैं दूसरा व्हाट्सअप दिखा देता हूँ। मैंने इस व्हाट्सअप से मैसेज किया था और ऑटोमेटिक उसमें चला गया था। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, व्हाट्सअप ही नहीं, उसमें मैंने आपको दिखाए हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे ट्विटर, ईमेल या दूसरा आप व्हाट्सअप बिजनेस चलाते हो उसमें आपको किसी पर भी प्लेटफॉर्म जहाँ जहाँ जोन जोन से उसमें दिए गए हैं उस पर आप ऑटोमेटिक टाइमिंग सेट करके मैसेज सेट कर दें, ऑटोमेटिक मैसेज चला जाएगा। ऐसा लगा ऐप्स कमाल का है ना, बिल्कुल ही मस्त है। आपकी वैल्यू है, आपके दोस्तों के सामने आपका कोई खास है, खास का मतलब आप लोग समझ ही गए होंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं। मतलब आपका बेस्ट फ्रेंड या बेस्ट ही, आपको उसको मैसेज सेंड करना है तो इसी एप्लीकेशन के थ्रू उसके दिल में आप अपनी जगह बना सकते हो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? मतलब आपको उसको खास होना है तो आप उसको ऐसे ही वक्त वक्त पे बिल्कुल टाइमिंग के साथ मैसेज करोगे ना तो आपकी वैल्यू उसके लिए बहुत ही बढ़ जाएगी। सो बस इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें।
तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। सो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट में बता देना, एंड अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल बना तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।